हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी टेट का जो जुलाई 2024 का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, तो उसी के रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 2024 ने अपना ये नोटिफिकेशन निकाला है, आपका नोटिस निकाला है, और इसमें पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट सी टेट जुलाई 2024, और आप आज का डेट भी देख सकते हैं 31/7/2024। तो क्या कुछ नोटिस निकाला है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ आपका आपका सी टेट निक डॉट एन आई सी सी बी एस ई। आप अपना रिजल्ट जो है सी बी एस ई डॉट एन आई सी, यहाँ पर भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो मार्कशीट एंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं द मार्कशीट एंड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट विल ऑल्सो भी अपलोडेड इन डिजी लॉकर शॉर्टली। तो आपका मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो आपको डिजी लॉकर, आपको ऐप या तो डिजी मोबाइल से आपको डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो आप वेबसाइट पर www.digilocker सर्च करेंगे तो वहाँ पर खुलेगा। तो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है आपका डिजी लॉकर बहुत जल्द आएगा। उसके बाद द कैंडिडेट में डाउनलोड इट बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट जज। तो जो नंबर उन्होंने आपका मोबाइल नंबर डाला हुआ था ऑनलाइन में, तो वही नंबर डालकर अपना सीटेट का जो रिजल्ट है आप उसको देख सकते हैं। द डिटेल्स ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन जो जुलाई 2024 आर अंडर। तो इस बार जो कैंडिडेट आप देख सकते हैं कि कितना कैंडिडेट दिए थे और कितना कैंडिडेट क्वालिफाई किए और कितना क्वालिफाई नहीं किए, डे बाय डे जो सी टेट का पेपर का लेवल जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर वन में जो आपका रजिस्टर कैंडिडेट आपका 8,30,242 था, ये तो रजिस्टर कैंडिडेट था। अपीयर कैंडिडेट जो है 6,78,000 आप देख सकते हैं 707, और उसमें जो क्वालिफाइड किए हैं 1,27,159 कैंडिडेट जो है आपका पेपर वन में पास किए हैं। इसी तरह का आप देख सकते हैं कि जो पेपर टू में आपका है, आपका ये हो गया रजिस्टर कैंडिडेट, और आपका अपीयर कैंडिडेट अगर बात करें हम लोग तो 14,07,332 कैंडिडेट आप देख सकते हैं पेपर टू के लिए अप्लाई किए थे, और जो पास किए हैं कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया वो है आपका 2,39,120। तो आप देख सकते हैं कि 14 लाख कैंडिडेट, और अप्रोक्स ले 14 लाख कैंडिडेट से जस्ट 2,39,000 कैंडिडेट ही पास किए हैं। तो इससे क्लियर पता चलता है कि सी टेट का जो एग्ज़ाम का लेवल है कितना लेवल है, और कितने सारे एवरेज मान कीजिए 12 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो है पेपर टू क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और साथ में पेपर वन का अगर बात करें तो कम से कम 5 लाख 5.5 लाख तक कैंडिडेट जो है आपका पेपर वन में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो इस पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट फिर से, क्योंकि आपका सी टेट एग्ज़ाम में जो है आपका अटेम्प्ट नहीं, आप मैनी टाइम्स अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं तो आपको फर्स्ट या नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप सी टेट को इजी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसका अभी 90 स्कोर आ रहा है वो तो जनरल में आपका कट ऑफ है 90 से 90 या 90 एबव आ रहा है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आप ऑल इंडिया कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, आप अदर स्टेट में जाके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में कम से कम 90 नंबर चाहिए। और ओबीसी और एसटीएससी के लिए अगर मान लो आपका 83 या 82 बन रहा है तो ओबीसी एसटीएससी के लिए आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन अदर स्टेट के लिए आपको कम से कम आपका 90 मार्क्स होना चाहिए, जनरल का नंबर होना चाहिए, तभी जाकर अगर आप अदर स्टेट में वैकेंसी आती है तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका सी टेट में इस बार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना चैनल पर आपका देव स्टडी सेंटर पर वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरह से सी टेट का पेपर वन और पेपर टू को अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से कैसे आप पेपर को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पेपर को क्वालिफाई करना सी टेट के पेपर को इतना आसान नहीं है,
आप इस रिजल्ट से इजी देख सकते हैं कि इतना सारा कैंडिडेट 14 लाख के पेर हुए, मात्र 2,39,000 इतना कैंडिडेट जो आपका पास कर रहा है, इसका मतलब 12 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप सही स्ट्रेटजी से अगर नहीं करते हैं तो आप एक या दो अटेम्प्ट भी अगर लग जाएगा, 3 अटेम्प्ट भी लग जाएगा, लेकिन आपको पेपर को क्वालिफाई करना दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे ही चैनल में जाएंगे और देखेंगे कि पेपर वन के लिए भी मैंने बनाया है और पेपर टू के लिए भी बनाया है कि किस तरह से आप एक ही अटेम्प्ट में आप किस तरह से पेपर वन को पेपर टू को 90 से 90+ कैसे स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाके देखेंगे वीडियो के समझेंगे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल मेरा देव स्टडी सेंटर अगर आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो बहुत सारे नोट्स, सी टेट का नोट, साइंस का नोट आपका वहाँ अवेलेबल है, साथ में कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट का भी नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर वो नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर है कि आपका सी टेट एग्जाम इजी से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका नोटिस दिया हुआ है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देव इस सेंटर, क्योंकि मैं इस पर इसी तरह के वीडियो बनाते रहता हूं। कई सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने यूट्यूब में डाला, वहां जाके देख सकते हैं, तो आप सी टेट को इजी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।